सो हेलो गाइस, मैं रंजन आपका अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, वीडियो बड़ी जल्दी बनानी पड़ रही है क्योंकि जस्ट अभी अभी मैं छत पर बिल्कुल अभी अभी आया हूँ और कुछ सीन हो गया है, जैसे कि मैंने अभी देखा आके कबूतर के साथ ही हुआ है। तो पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। और बिल्कुल अभी कबूतर खोले मैंने अपने उड़ाने के लिए, ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको ये उड़ते हैं मेरे कबूतर, ठीक है। काफ़ी भाई कमेंट भी करते थे भाई उड़ने वाले कबूतर की वीडियो बनाओ, बट भाई मैं अपनी जानबूझकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। पर भाई जो मैंने देख लिया, मेरा बहुत मत्था ख़राब हो गया, अपसेट हो गया मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि अभी कबूतर खोले मैंने सारे उड़ने वाले, ठीक है। तो मैं कबूतर आके पहले कबूतर खोलता हूँ, फिर मैं जोड़े वाले में कबूतर मेरा परंग था उसको खोलता हूँ, इस वाले खाने में है, वो भी उड़ता है बहुत अच्छा। कहाँ है वो कबूतर, ये रहा सामने भाई, ये देख सकते हैं, ये गुटक रहा है ना, जो ये नर, ये फोकस कर ले, हाँ ये वाला नर है भाई। तो हुआ क्या भाई, इसका बच्चा निकल रहा था, ठीक है। तो जस्ट मैं अभी आया, मैंने तुरंत कबूतर खोले हैं बिल्कुल अभी, ठीक है, बिल्कुल अभी 2 मिनट हुआ होंगे। और फिर मैंने इसको कबूतर को खोलने के लिए मैंने ये पेटी खोली ऐसे, और भाई फिर हुआ क्या, मैंने देख लिया कुछ, और देखा क्या तो अभी ऐसे ही बच्चा मरा पड़ा है, क्योंकि मैंने तुरंत कुंडी खोली तो नर उड़ने के लिए मतलब तुरंत बाहर भागा, और इसका भाई बच्चा पता नहीं कैसे मर गया, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत मतलब ग्रोथ भी अच्छी खासी थी बच्चे की। मैं ज़रा ज़मीन पर रख देता हूँ, ठीक है। इसकी जो मतलब ये मुंडी है ना भाई, ये नीचे साइड दबी पड़ी है ऐसे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये ऐसे करके ऐसे नीचे साइड इसकी मुंडी है, ऐसे रहनी चाहिए ना। तो ये ना ऐसे मरा हुआ है बिल्कुल, अभी जम गई है बॉडी, लग रहा है मतलब 2-3 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे। और मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोटा देख सकते हो पूरा फुल है दाने से भरपूर, क्योंकि मैं दिन में इसको 2 टाइम आके देख के जाता हूँ, तो एक तो सुबह देता हूँ एक दोपहर में भी आता हूँ, तो दोपहर में बिल्कुल सही था ये बच्चा, ठीक है। और मुझे पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या, या तो फिर मुझे लग रहा है इस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दाना भी पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है इसमें, इसके साथ इस कबूतर बच्चे के साथ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको इसको इसके ऊपर इसके माँ बाप भी चढ़ जाएं तब भी ये मर नहीं सकता बेचारा। जब मैं आया ना तो वो ऐसे पड़ा हुआ था, ये ऐसे नहीं, मैं भूल गया, हाँ ऐसे पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ तक गीला है ना, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत पेटी खोली, ऐसी पेटी बनती, तुरंत खोली तो नर बाहर गया उड़ने के लिए, मतलब क्योंकि रोज़ उड़ाता हूँ, उनको आदत है। तो भाई ये मुझे दिखा, और मेरे को ऐसा लग रहा है, एक मेरा मन कह रहा है कि पता क्या सीन हुआ है भाई, मेरा एक डाउट है जो मेरे को मन में बार बार खटक रहा है कि ये जो मैंने अंदर रख रखा है ना, ये देख सकते डोंगा, या तो फिर नहीं यार वो नहीं हुआ होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ, या इसमें पानी रहा होगा बहुत सारा, ये इसी में ना डूब गया ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये इसमें पानी रहा होगा बहुत सारा, पानी था, मैं पानी पीने के लिए देके जाता हूँ, क्योंकि दाना भी यहीं धर देता हूँ बहुत सारा, और पानी भी अंदर रख देता हूँ जिससे कि चुगती रहे, और उस बच्चे को फिर भर दे, फिर चुगती रहे, फिर भर दे, ठीक है, मतलब खिला दे। तो नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसे, क्योंकि अगर पानी में डूबा होता ये तो पानी में ही मिलता मुझे, ठीक है। वरना अगर ये डब्बा भी गिरा होता, मतलब अगर जैसे भी डूबता तो पूरा पानी नहीं जाता, अगर डूबता तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब भाई जो हो गया सो हो गया, अगर वो डूबता तो ऐसे डूबता ना ये, तो उसी में पड़ा रहता, बट भाई ये मुझे इसमें नहीं दिखा, वो यहाँ था ऐसे करके, और पानी इसमें है नहीं। तो मुझे यार समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ हुआ क्या है, बहुत शौक में चला गया हूँ मैं, अब भाई सही बता रहा हूँ, अब मेरा मत्था बहुत ख़राब होता है, मैं बच्चे निकलवाता नहीं हूँ, बट जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है जो विक्की, जो अभी इस टाइम टकला भी हो गया बेचारा, काफ़ी भाई बोल रहे हैं बाला बाला उससे, मतलब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा था, ठीक है। ये जोड़ा है, इससे मैंने बच्चे नहीं पलवाए, एक बार पलवाया था मैंने, पलवाया नहीं मतलब एक बार मैंने बच्चा निकलवाया था, ये दब के मर गए इनके नीचे, तो इसलिए मैं बच्चे नहीं पलवाता, काफ़ी मत्था ख़राब हो जाता मेरा, ठीक है। ये इसकी मादी ने, ये बच्चा था, अब मर चुका भाई, तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, कि मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, तो भाई इसलिए मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, काफ़ी भाई अभी मुझ पर रोज़, मतलब भाई जब से मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ ना, जब से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, जब से भाई एक ही कमेंट आते हैं और फ़ोन भी एक ही आते हैं कि रंजन भाई मेरे कबूतर अंडे नहीं धर रहे, बच्चे नहीं धर रहे। तो भाई ये बच्चे बच्चे निकलवाना हमारे बस की बात नहीं है, बड़े बड़े लोग ही निकलवा सकते हैं, जिनको भाई प्रॉपर तरीका पता है, टाइम पता है उनको, ठीक है, इसलिए मैं निकलवाता हूँ। मेरे यहाँ कभी बच्चे बच्चे नहीं, आज तक सिर्फ 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ पे, एक सामने है ये री जो इस टाइम चोंच लड़ा रही है, ठीक है, ये इधर वाली, ये जो दिख रही है ना इधर वाली, ये वाली है, और एक बच्चा कहाँ है मेरा, इसकी बहन है दूसरी काली सी,
पता नहीं किधर है यार, मेरे को तो दिख भी नहीं दिया। आओ, वीडियो काफ़ी लंबी बन। हाँ ये रही, इसकी बहन ये रही दूसरी, धूप में दिख रही नहीं है। ये देख सकते हैं भाई, ये दोनों एक ही माँ बाप के हैं, हरी बहन ये रही इसकी, और इसके माँ बाप जो है ना, इसका बापू ऐसे ही है सेम, और मम्मी इसकी नपती है। तो कोई नहीं, जो होना सा सो हो गया। मैंने सोचा कि बनाओ इसके ऊपर वीडियो, यार मैं शौक में चला गया हूँ कि हुआ क्या है, मैं बहुत अपसेट हूँ। अब मैं कभी बच्चे नहीं खिलवाऊंगा नहीं बिल्कुल, अब इनको भी मैं इस जाल में धर दूँगा उड़ने वाले कबूतरों में, ठीक है। तो जब तक के लिए भाई आप लोग बताना कि भाई इसके साथ हुआ क्या होगा, आप लोग थोड़ा रियलाइज़ करके बताना ज़रूर। अब मैं इसको करूँगा कुछ नहीं भाई, इसको गाड़ दूंगा भाई, मेरे को यही लग रहा है। अब जो मेरा डाउट था ना, वो मेरा क्लियर हो गया है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि पानी में डूब के नहीं मरा ये, वैसे अपने आप ही कुछ हुआ होगा। मैं कुछ कर नहीं सकता यार, मैं CID तो हूँ नहीं, किसकी पूरी तहकीकात तक जाऊँ। तो कोई नहीं, मिलता है अगली वीडियो में, ठीक है भाई।